तो गाइस पहुंच चुके हैं पुनीत के घर के बाहर, अभी चलते हैं अंदर देखते हैं क्या कुछ है। क्या हो गया यार, अंकल कहाँ पे है? अंदर बैठे हैं। अंकल ने बुलाया था एक बार। गैलेक्सी रस्ते में बैठ गया। नमस्कार अंकल। नमस्ते बेटा। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे? पुनीत को ना 3-4 दिन हो गए और वो कमरे में बंद रहा। मैंने कहा बेटा जब वीडियो वगैरह बना ले, अब वीडियो भी नहीं बना रहा हो। भैया मैं भी कहता हूँ पुनीत को, मैंने फोन भी किया, फोन नहीं उठाते। घर पे आके मैंने बात करी, कहते इधर से चला जा, मेरे को अकेला छोड़ दे, बात ही नहीं कर रहे भैया ढंग से। करेक्ट में कितना टाइम हो गया? जिस दिन हमने वीडियो नहीं बनाई थी उस दिन रात को घर पे जब आई थी, उससे अगले दिन स्टार्ट हो। अंकल को तो उसके बारे में पता नहीं होगा। पुनीत अभी कहाँ पे अंकल? अभी बेटा कमरे में उसे मिलो आप उससे। खाना वगैरह दे रहे हो? कैसे खाना देता? खाते नहीं, वो खाएगा नहीं, पड़ा रहेगा कमरे में बैठा बैठा, अपने आप ही बोलता रहता है किससे, ये भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है उसको। फोन पे बात भी नहीं कर रहे थे, फोन में तभी आ गया हाथ में, साइड में देख रहे थे किससे बात कर रहे थे। चल कोई नहीं, चल के देखते हैं। पुनीत बेटा दरवाजा खोलिए, एक बार खोल तो सही बेटा दरवाजा। छोटे क्या रहेगा, खुलेगा दरवाजा कैसे? क्या खोल के देखता है? एक बार खोल के देखो अंकल। और तुम भैया बेटा एक मिनट लगानी पड़ेगी भैया, एक मिनट बात करना। अरे ये हालत हो रही है, ये कुंडी लगा दी सर, ये हम तो परेशान हो गए, बताओ क्या करें। इस कमरे में कोई खिड़की वगैरह है? पुनीत किससे बात कर रहे हो बेटा? कौन है? अच्छा क्यों बोल रहे हैं भाई? आए आपको क्या रखा भाई, थोड़े दिन अकेले छोड़ दूंगा। एक मिनट दरवाजा खोल, वो आया तेरे को बुलाने के लिए, उसकी तो सुन ले बेटा भाई की। अरे नहीं खोल सकता। क्या कौन है फिर अंदर? नहीं अभी आवाज नहीं आ रही थी, किससे बोल रहा था तू? अरे अपने आप बोल रहा मैं। ये देख लो भाई, खोल दे दरवाजा, दिक्कत बन जाएगी, मान लो मेरी बात, नुकसान पहुंच जाएगा रहने। क्या नुकसान होगा ये तो बता दे, कौन है तेरे साथ, क्या है, क्या हो रहा है तेरे को ये बता। कौन है मतलब? क्या कह रहे हो आप? किसको देख रहे हैं बताओ? जब दिक्कत खत्म हो जाएगी मैं अपने आप आ जाऊंगा। चलो कोई नहीं, ठीक है मुझे। किससे बात कर रहे हैं? फिर किससे बात करी? वो किससे बात कर रहे हो नहीं भैया? नहीं भैया कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ा निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी ये वहीं पे जाके पूरा लगेगा। मैं आपसे कोई बात नहीं, साइड में भैया मैं आपको यूँ कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो ये दिखती थी। वो भाई ऐसे अब दिखाई नहीं देगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि एक आत्मा ऐसी चीज होती है जो आसानी से हर एक बंदे को नहीं दिखती। तुम में से किसी को दिखाई नहीं दी, मेरे को दे रही थी, तभी मैं तुम सभी से पूछ रहा था, तुम में से किसी को भी दिखाई दी? जो फिलहाल उसके पास जो शरीर था ना, वो शरीर उसने छोड़ दिया वहाँ से। हमने ना एक बार वेजा बोर्ड खेला था शमशान घाट में, तो हमको ना लेंस से दिखती थी, वैसे नहीं दिखती थी कभी। ट्राई करके देख ले। मिल गए। ये खिड़की खोलता हूँ मैं, फिर उसमें चेक करेंगे। ठीक, खोल एक बार खिड़की। खोल भाई, लंच डाल दो। ओए री री री, दिख रही है? बोल। वो क्या करे भैया? यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। हम वहीं पे जा रहे हैं अंकल जी फिलहाल, तो जहाँ पे पुनीत गया था। दीपक और मैं जा रहे हैं। चलो हो गया बेटा, एक बार ऐसे बाइक पे मत जाओ, रात होगी लेट भी होगे, गाड़ी की चेक ले जाओ और गाड़ी पे चले जाओ। छोटे चल के देखते हैं उधर ही। अभी फिलहाल ये दिखाई नहीं दे रही ना, तो शरीर छोड़ के फिलहाल आत्मा पुनीत के पास पहुँच चुकी है। चलो भैया फिर पहुँच के निकलते हैं। रुक तो जाओ, बंद तो कर दो। गाइस पहुंच चुके हैं जगह पे। डरने डरने की कोई वो नहीं, अगर जो दिक्कत ऐसी कुछ लगेगी तो मैं तेरे को बता दूंगा, बस तू यहाँ से निकल जियो। गाइस हम यहाँ पे व्लॉग बनाने तो आए हैं, लेकिन पुनीत की हालत देखने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ पे आने का। गाइस अभी अंदर जा रहे हैं हम, भैया थोड़ा देख के चोर ना हो यहाँ पे। चोर वगैरह इतना हादसा जब हो चुका है तो उसके बाद में चोर होगा तो यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं आएगा। गाइस देख रहा हूँ आस पास, कैमरा घुमा के देख रहा है। भैया फुल ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा यहाँ पे?
देखते हैं भाई, वो जो भी है पता लगेगा देखने। भैया वैसे हम यहाँ पे ढूंढने के आए हैं, ये तो बताओ। हम जो है छोटे उस दुल्हन ने शरीर में जिसमें वो थी ना, उस शरीर में यहाँ पे देखा है। भैया हवाएं भी चलने लगी बिल्कुल ठंडी ठंडी, हवा चलेगी फिर जहाँ पे ये चीज होती है ना वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा डाउन होता है। एक बार थोड़ा ध्यान से देख, अगर जो तेरे को भी दिखाई देता है तो वही शरीर ढूंढना मैं कहाँ पे उसका। भैया वैसे तो नीचे पड़ा हुआ मिलेगा ना हमें, क्या पता। मुझे छोटी सी चीज तो यही है कि वो इतनी जल्दी अपने शरीर को हमारे हाथ में नहीं लगने देगी, तो ऐसे ही कहीं भी नहीं पड़ा हूँ। इसका मतलब वो हमारे घर में आना चाहती और वो शरीर की वजह से नहीं आ पा रही थी। और कहाँ मिल सकता है शरीर, पेड़ों पे जाती थी वो वैसे। पता नहीं भाई, छोटे कहीं भी हो सकता है फिलहाल तो। ये सारा कल है, जल रखा है यहाँ से तो वाइट है। यहाँ पे आग नहीं और जला, कोई तपस्या करता था उसकी वजह से। कल कोई नहीं निकल, मार देते हैं। क्या हुआ भैया? शरीर पेड़ पे भाई, वो जो भी है पेड़ पे। अच्छा, इसलिए वो पेड़ पे घूमती थी। हाँ, वो शरीर जो उसने पेड़ पे छोड़ रखा कहीं। भाई पेड़ पे किस में होगा, बहुत पेड़ है भाई यहाँ पे तो। बारिश भी स्टार्ट होगी यार। हाँ भैया मिल गया, लेकिन डरियो मत क्योंकि वो वापस आने वाली है इस एरिया में। तो शरीर में तेरे को दिखा रहा हूँ क्योंकि उसको पता लग चुका है, उसके शरीर के पास हम आ चुके हैं, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। ये यार ये ओ भाई तेरा भाई साहब, भैया निकलो, वो आ रही है इधर। वो यहाँ से जा चुकी है, मेरे को बता देना चाहिए था उनको सब कुछ। तो मुझे जल्दी से वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि उस चोर के शरीर में वापस जा रही है। गरीब आ गया, दीप भाई कहाँ है? दीप भैया तो गए, मैं तो अपने घर से आया हूँ। वो भाग गई यहाँ से। दीप भैया कहते रहते वहीं आई है वो। उसका शरीर है क्या वहाँ पे? हाँ, उस शरीर को फिर दोबारा कब्जे में ले लेगी। चल जल्दी बंद कर, बंद कर, बंद कर, जल्दी बैठ कर, जल्दी बैठ भाई। ये ब्लॉग से बहुत बड़ी चीज है, पूरी बात मैं बताऊंगा तेरे को बाद में। रुक रुक रुक, पहले अंदर मत जा। क्या हो गया? गेट नहीं खुल रहा, कुछ अड़ा रखा है, कुछ है, कुछ है। वो चोर का शरीर तुमने देखा था कहाँ है? हाँ, परेड पे था। दिख रहा, तेरे को दिख रहा है ना, मतलब कैमरे में दिख रहा है। इधर इस इलाके से जा चुकी है ये काफी टाइम से तुम्हारे पीछे। मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? या हमने गलती कर दी थी वजह बोर्ड खेल के शमशान घाट में, वहीं से हमारे पीछे पड़ गई थी। शमशान घाट में वजह बोर्ड खेल रहे थे तुम? ये कोई छोटी गलती होती है भाई, जहाँ पे उनकी जगह है तुम वहीं पे जाके ये काम करोगे तो नुकसान तो तुम्हें देगी ना वो। तो गाइस ये देखो शमशान,